जगदलपुर व दरभा के 14 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन ने खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और कहा, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, सरकार किसानों के साथ है। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 14 केंद्रों में धान खरीदी से पहले किसानों का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन की उपस्थिति में धान उपार्जन प्रारंभ हुआ। इस दौरान संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने मां दंतेश्वरी धन्वंतरी माता व छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की, फिर उसके बाद धान तौलकर उनका शुभारंभ किया। रेखचंद्र जैन ने कहा कि किसान हितैषी भूपेश बघेल सरकार के निर्णय से किसान का धान वर्तमान में 2500 रुपए की दर से खरीदा जाएगा। संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों के हक और अधिकार के साथ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा छलावा किया जा रहा है और किसानों को कर्जदार बनाने के लिए काले कानून को लागू किया गया है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।